राष्ट्रीय स्वाभिमान परिषद, लोक जागृति मोर्चा और प्रहार जनशक्ति पक्ष ने संयुक्त रूप से ईंधन की कीमतों में दैनिक वृद्धि के खिलाफ शनिवार को सकरदरा चौक पर भीख मांगो आंदोलन किया, जिस दौरान आंदोलनकर्ता द्वारा राज्य और केंद्र सरकार का निषेध किया गया। आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता देखा जा रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के कारण एक और जहां आम जनता परेशान हो रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। आम जनता पर हो रहे इस अत्याचार का विरोध करने और सरकार को जगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वाभिमान परिषद, लोक जागृति मोर्चा और प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से संयुक्त रूप से भीख मांगो आंदोलन किया गया। इस संदर्भ में लोक जागृति मोर्चा के रमन सेनार ने अधिक जानकारी साझा की। आज आमच आंदोलन राष्ट्रीय स्वाभिमान परिषद, प्रहार पक्ष आणि लोकजागृती मोर्चा या तिघांच्या संयुक्त विद्यमाने आहे। या देशात पेट्रोल डिझेलची जी दरवाढ दिवसेगणित होत आहे, रोज 27 पैसे 25 पैसे जे दिसत नाही पण वाढत आहे आणि रोज आता 100 ही पार झालेली आहे। डिझेल अबकी बार 100 पार असं म्हणता म्हणता पेट्रोल तर गेलं 100 पार, आता डिझेल 100 पार जाण्याच्या तयारीमध्ये आहे। मोठ्या प्रमाणावरती ही जी इंधनवाढ होती आहे, हे लोकांवरती अमानुष असा हा कर शासनातर्फे लादला जातो आहे। केंद्र शासनाकडे आम्ही बोट दाखवलं, ते म्हणतात की राज्य शासनाने कर कमी करायला पाहिजे। राज्य शासनाला जर म्हटलं तर राज्य शासन म्हणते हा केंद्राचं प्रकार आहे, त्याच्यात आम्ही जनतेने कोणाकडे पाहू? ते दोन्ही सरकार एकमेकाकडे बोटं दाखवून वेळकाढूपणा करत आहे आणि आमच्यावरती नागरिकांवरती कराचं बोजं लादत आहे। त्या दोन्ही सरकारचा निषेध करण्याकरता आम्ही आज भिक्षा मांगो आंदोलन असं करतोय। आमच्या दृष्टिकोनातून हे दोन्ही सरकार भिकेला लागलेले आहेत। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से एकत्रित भीख जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजी जाएगी। ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वाभिमान परिषद के मुन्ना महाजन, लोक जागृति मोर्चा के संयोजक एडवोकेट रमन सेनार, प्रहार जनशक्ति पार्टी के कैप्टन दिलीप जायसवाल के मार्गदर्शन में किया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।